जनपद फिरोजाबाद में वन महोत्सव योजना के अंतर्गत श्री विवेकानंद विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने अध्यापकों से वृक्षारोपण गतिविधि सीखी। इस दौरान बच्चों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विद्यालय प्रधानाचार्य साहित्य प्रकाश व मैनेजर राष्ट्र प्रकाश धनकर द्वारा नीम का पेड़ लगाकर क्लीन एंड ग्रीन APS के संदेश को सार्थक किया। शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा आम, पीपल, गुड़हल, तुलसी, एलोवेरा, स्नेक प्लांट आदि पौधे लगाए गए। आपको बताते चलें कि फिरोजाबाद में श्री विवेकानंद विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन राष्ट्र प्रकाश धनकर ने नीम का पौधा व विद्यालय में 40 पौधे लगाकर किया। इस दौरान एक समागम का आयोजन कर विद्यार्थियों को वृक्षारोपण का महत्व व इसकी उपयोगिताओं के बारे में समझाया गया। इस समागम में विशेष तौर पर समस्त अध्यापक उपस्थित रहे। धनगर ने कहा कि वृक्षों का मानव जीवन और पर्यावरण में संतुलन स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान है। वृक्षारोपण से एक तरफ पर्यावरण संतुलित होता है, वहीं मानव मूल्यों की स्थापना के लिए भी इसका विशेष महत्व है। पौधारोपण केवल वन विभाग का ही नहीं बल्कि ये हम सभी का दायित्व है। हमें पौधारोपण के बाद इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और बच्चों को बताया कि वो जन्मदिन, त्योहारों आदि अवसरों पर एक दूसरे को पौधे उपहार स्वरूप देकर हरियाली का संदेश फैला सकते हैं। आज श्री विवेकानंद विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल सुखमपुर के प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जिसमें लगभग करीब 40 पौधे लगाए गए। मैं स्वयं राष्ट्र प्रकाश ने नीम का पेड़ लगाकर पौधा लगाकर इस प्रारंभ व्यवस्था की है। मेरे सभी सहपाठी अध्यापकगणों ने भी इसका बहुत बड़ा सहयोग किया है। विद्यालय के बच्चों ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। हमारा वन विभाग का ही नहीं अपितु मानव जीवन में मनुष्य का भी दायित्व बनता है कि हम वन विभाग में पौधे रोपण करें। विद्यालय में जिस तरह से प्रयोग किया है और वन विभाग के बाद भी हम उसका पौधा लगाने के बाद हमारा दायित्व ये बनता है कि हम उसकी सुरक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ी इसका लाभ ले सके। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।